अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। बोकारो जिला ब्यूरो चीफ जेएम रंगीला की रिपोर्ट। माकपा ने फादर स्टेन स्वामी को दी श्रद्धांजलि। माकपा की गोमियो लोकल कमेटी ने प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता, जल जंगल जमीन आदिवासी व दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है एवं 2 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दिया। माकपा के गोमियो लोकल कमेटी कार्यालय में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य रामचंद्र ठाकुर ने कहा कि फादर एस्टिन स्वामी, जिन्हें झारखंड के नामकुम स्थित उनके आवास से भीमा कोरेगांव के झूठे मामले में भारत सरकार ने 8 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया था, जहां से वो लगातार बीमार चल रहे थे। समुचित इलाज के अभाव में उनका निधन हो गया। उन्होंने कहा कि फादर स्टेन स्वामी के न्यायिक हिरासत में हुए निधन से हमारी पूरी पार्टी ममारत है और उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मांग करती है कि जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर भारत सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उन्हें अविलंब बिना रिहा किया जाए। इस श्रद्धांजलि सभा में माकपा के जिला सचिव, मंडल सदस्य प्रदीप कुमार विश्वास, गोमियो प्रखंड के सचिव राकेश कुमार, सीटू नेता माधव चौधरी, केसु कुमार सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता, जल जंगल जमीन और आदिवासी सवालों पर जीवन भर संघर्ष करने वाले अस्टेन स्वामी को गत 2020 के अक्टूबर महीने में कुख्यात गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून के तहत भीमा कोरेगांव मामले में, झूठे मामले में भारत सरकार के द्वारा गिरफ्तार करके बम्बई के जेल में भेज दिया गया। वे 84 वर्ष की उम्र के थे, कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे। इसके बावजूद भी जेल के अंदर उन्हें कठोर आतनाएं दी गई। वे मांग करते रहे कि उनको जेल से रिहा किया जाए, नहीं तो उनकी मौत जेल में हो जाएगी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अंत में अदालत न्यायपालिका के हस्तक्षेप से उनको एक निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की झारखंड राज्य कमेटी और पूरे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जितने भी मार्क्सवादी की इकाइयां हैं, अभी गोमिया लोकल कमेटी इस घटना की तीव्र निंदा करती है। इसे एक प्रकार का शासन के द्वारा की गई हत्या के रूप में देखती है और मांग करती है कि जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनको रिहा किया जाए और एक कुख्यात काला कानून।